साथियों, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं ऑल इंडिया एकता फोरम के द्वारा खानदेश विभागीय जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में जो विषय रखे गए हैं वो विषय है मजलूमों का इत्तेहाद निर्माण किए बगैर मजलूमों की मौलिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, अथवा क्या कॉमन सिविल कोड जबरन तरीके से मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत, बौद्ध और आदिवासी लोगों पर थोपा जा सकता है, एक गंभीर मंथन। और तीसरा विषय है चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना, यानी भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करना और मतदाताओं को वोट के अधिकार को भी समाप्त करना है, एक गंभीर मंथन। ये तीन विषय यहाँ पर चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, कल मैं कलकत्ता में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का कार्यक्रम करके रात में 1 बजे पुनः आया और सवेरे 4 बजे की ट्रेन से आपके भुसावल में यहाँ 1:15 बजे पहुँचा और आपके बीच में हाजिर। ये कार्यक्रम हमारे लिए केवल भुसावल में नहीं हो रहा है, ऐसा मत मानना कि ये कार्यक्रम केवल भुसावल में हो रहा है, ये कार्यक्रम सारे देश भर में हो रहा है और देश भर में इसकी तैयारी लगातार चल रही है और इसी के अंतर्गत ये भुसावल का भी कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और ऑल इंडिया एकता फोरम के तहत ये जॉइंटली सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे। इसके पहले आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम देश भर में चलाने का प्रयास किया था और अब हालात के मुताबिक जो परिस्थितियां बदली हुई है, जो देश में हालात है उन हालात को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। मकसद में बदलाव नहीं किया गया है, रणनीति में केवल बदलाव किया गया है। रणनीति का मतलब है दांवपेच के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव किया गया है। हालात बदलते हैं तो दांवपेच बदलने पड़ते हैं, मकसद वही रहता है। तो इस तरह से हम लोग देश भर में कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आज जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, मजलूमों को इकट्ठा करने का मामला, मैं सारे देश भर में ये बात कह रहा हूं और दोबारा आप लोगों के बीच में वही बात थोड़ा दोबारा कहना चाहता हूं। वो बात ये है कि मुसलमानों की कुछ बातों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं। मुझे आज तक पता नहीं है कि मुसलमानों का एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू कहने से क्या फायदा होता है, मुझे आज तक ये पता नहीं चला। और ना किसी मुस्लिम आदमी ने, किसी आला दिमाग के व्यक्ति ने मुझे इसका फायदा समझाया, मुझे आज तक किसी ने यह फायदा नहीं समझाया। बल्कि मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले के जो मुसलमानों के नेता थे उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है ये हिंदू नहीं है, तो मुसलमानों के नेता ही इस बात को जानते थे। जब मैं ये बात कहता था तो मुसलमानों के बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते थे।
तो मैंने वो रेजोल्यूशन की कॉपी निकाल कर नुमानी साहब को दी कि 100 साल पहले के जो मुस्लिम कयादत करने वाले लीडरशिप करने वाले लोग थे वो इस बात को जानते थे। दुनिया वाले कहते हैं कि ज्ञान हर साल बढ़ता है, मुसलमानों का ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये मुसलमानों को दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां मुसलमानों को दोष देने के लिए बातें नहीं उठा रहा हूं, मैं आप लोगों को इस पर मंथन करने के लिए अपील करना चाहता हूं, इस पर विचार करने के लिए अपील करना चाहता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, वैसे वैसे जानकारी, ज्ञान और महारत बढ़ती जाती है। मगर मुसलमानों में ये नहीं बढ़ी, वो मुझे उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला। और जो सरसरी तौर पर पता चला वो ये है कि आजादी के बाद में मुसलमानों ने जालिमों के साथ में राब्ता कायम किया। दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे खुशी नहीं है ये बात कहने की। और जालिमों के संगत की वजह से मुसलमानों का सोच बदला और जालिमों के अनुकूल हुआ। ये जालिमों के अनुकूल मुसलमानों का रवैया बनना मुसलमानों के आज के तारीख में जो संकट है उसकी वजह है। मैं जानता हूं मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, मगर मेडिकल साइंस वालों ने गोलियां कड़वी क्यों बनाई मुझे पता नहीं है, मगर खाने से आराम जरूर होता है। ये सारे दुनिया वाले कहते हैं, ये दुनिया वाले मानते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि मुसलमानों में आजादी के दौरान, आजादी के बाद में जो लीडरशिप थी, उन लीडरशिप के लोगों के द्वारा निश्चित रूप से कुछ कमियां, कुछ खामियां रही है, जिसकी वजह से ये सारी बातें हमारे सामने है। और ये बातें नहीं होती क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो भविष्य में बहुत दूर तक देखती है और दूर तक देखकर निश्चित रूप से अपनी रणनीति बनाती है। मगर हजारों साल का जो ब्राह्मण भारत का टीम था, जिन्होंने बुद्धिस्ट मजहब के लोगों का कत्ले आम किया, अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो बुद्धिस्ट लोगों का कत्ले आम किया केवल इस वजह से कि वो मुसावात को मानते थे। और इस्लाम भी मुसावात को मानता है तो आपको छोड़ देंगे? थोड़ा प्रिसाइज बता रहा हूं, संक्षिप्त में बता रहा हूं, बुद्धिस्ट लोगों को उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों को मैं जालिम कहता हूं। और जालिम सेकुलर होता है ऐसा आप लोग मानते हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। और ये प्रोपोगंडा भी उनका है, जो जालिम है उन लोगों का प्रोपोगंडा है कि वो सेकुलर है। तो आप लोगों को उन्होंने कहा वो सेकुलर है, आप लोगों ने शेर को कभी शाकाहारी, ये शेर शाकाहारी है ये मांसाहारी है, ऐसा फर्क किया? शेर शाकाहारी है ये मांसाहारी है,
ये मांसाहारी से ये हिंसा करेगा, इससे बचना चाहिए, शाकाहारी शेर का साथ देना चाहिए, सेकुलर हिंदू का साथ देना चाहिए, इसका मतलब शाकाहारी हिंदू का साथ देना चाहिए, यही बात है। आप लोगों ने शेरों को शाकाहारी और मांसाहारी में विभाजित किया, ये संकट इस वजह से पैदा हुआ। दूसरी बात मैं ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं, इस पर आप मंथन करें, मैं विचार करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपके विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने के बोल रहा हूं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या जालिमों के साथ में खड़ा होना इस्लाम के अनुकूल है, क्या मजलूमों के विरोध में खड़ा होना इस्लाम के अनुकूल है। मैं तो इस्लाम का जितना स्टडी किया, मोहम्मद साहब की जिंदगी का, उन्होंने जो संघर्ष किया उसका जो स्टडी किया, उसके आधार पर कहता हूं कि वो तो सारे जिंदगी भर जो कुरान है, अल्लाह ताला का आदेश है और उस पर अमल करके मोहम्मद साहब ने किया, वो तो सारा का सारा मजलूमों के समर्थन में है। अगर वो सारा का सारा मजलूमों के समर्थन में है तो कुछ तो सबक है। आप अगर दूसरों से सबक नहीं सीखते तो मोहम्मद साहब की जिंदगी से सबक सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को स्वीकार करो, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात को मान लो, मोहम्मद साहब की तो मानो। कुरान अगर मजलूमों के साथ खड़े होने की बात करता है, मजलूमों के समर्थन की बात करता है, तो ये इस्लाम दुनिया में जहां जहां भी फैला उसका कारण था वो मजलूमों के समर्थन में खड़े हुए। आप तो भारत में जमे जमाए थे और संकट में फंस गए। मुझे तो समझ में नहीं आता, 350 साल मुगलों के द्वारा राज स्थापित किया गया, चलाया गया, वर्ण का निजाम, जाति का निजाम, अस्पृश्यता का निजाम, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का निजाम और महिलाओं को गुलाम बनाने का निजाम 350 साल में बिल्कुल बचना नहीं चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप लोग वजह जानते होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस्लाम की जो मसावात है, इस्लाम की जो मसावात है, क्या वो मुसलमानों के हद तक मर्यादित है? मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो गया है, मैं बहुत गंभीरता से यह बात आपको कह रहा हूं। कुरान और इस्लाम की जो मुसावात की शिक्षा है यह मुसलमानों के हद तक मर्यादित नहीं है, मगर मुसलमानों का आचरण कैसा है? वो मुसलमानों के हद तक मर्यादित अगर आप करोगे तो ब्राह्मणों को आपके खिलाफ, वो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, जो मजलूम हैं, उनको आपके खिलाफ वो भड़काते हैं। यदि आप उसी तरह का रास्ता अख्तियार करते जिस तरह का रास्ता इस्लाम का प्रचार करने वाले लोगों ने अपनाया था तो ये संकट खड़ा नहीं होता। ये मुसावात जो है इस्लाम का, आपने आपके व्यवहार में मुसलमानों के हद तक मर्यादित किया, मुसलमानों के बाहर जो मजलूम थे, अगर यह मुसावात आपने वहां तक फैलाने की कोशिश की होती, जैसे नोमानी साहब और नोमानी साहब के वालिद या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात के बारे में शुरू से प्रयास करते रहे, लार्ज स्केल मुसलमान जो है सारे देश भर में फैला हुआ है, अगर वो ये करता तो क्या जो ब्राह्मण हैं एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काने में कामयाब हो जाता? मैं बहुत अहम बात आप लोगों को बता रहा हूं जिस पर आज तक हमारे आचरण में कमी आ रही, खामी आ रही, कमजोरी आ रही, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं सुधार करने के लिए अपील कर रहा हूं। मैं बाहर नहीं बोल रहा हूं चौराहे पर,
मैं अपने लोगों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में ये बात कह रहा हूं। चौराहे में बोलने की बातें दूसरी है, मगर हमें कुछ आत्ममंथन करने की बातें हैं। हमें कुछ हमारी कमियां खामियां कमजोरियों को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर दुरुस्त करना होगा। अगर हम अपनी कमियां खामियां कमजोरियां दूर कर देते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी, अंदर ही ताकत पैदा हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बात के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए और इसके लिए आपको पहल करना चाहिए। सिंपली इसको मानने से काम नहीं चलेगा, इस पर पहल करना होगा। पहल करने का मतलब है इस पर अमल करना होगा। अमल से ही किरदार बनता है, अमल से ही चरित्र का निर्माण होता है। यदि आप अमल नहीं करते हैं तो आपको किसी प्रकार के नतीजे मिलने वाले नहीं है, रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। अमल से मिलेंगे, अमल करना होगा। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा मैं मानता हूं। मैं बहुत बड़े पैमाने पर यह मानता था कि मुसलमान जो है वो नेतृत्व के अभाव का शिकार है, मगर आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उस नेतृत्व की शून्यता को भरने के लिए नोमानी साहब पहल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे कोई दूसरा आदमी जो है, मुझे ऑल इंडिया में दूसरा आदमी मुझे अभी मिला नहीं जो देश की वास्तविक परिस्थिति को सही तरीके से जानता हो, सही तरीके से विश्लेषण करता हो, सही तरीके से परिस्थिति को समझता हो। एक भी नहीं मिला उनके अलावा। ढूंढ रहा हूं, मिलेगा, हो सकता है मिल जाएगा, क्योंकि ढूंढते ढूंढते ही रास्ते मिल जाते हैं। दरवाजे हर जगह बंद होते हैं, दरवाजे खड़खड़ाने के बाद ही दरवाजे खुलते हैं, अपने आप दरवाजे खुलते नहीं हैं, कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को नोमानी साहब की बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मैं जानता हूं सारे कौम में विचारों के बारे में मतभेदता होती है, केवल मुसलमानों में ही मतभिन्नताएं हैं या मुसलमानों ही फिरके हैं, ये बात सही नहीं है। मगर राजनाथ सिंह के बयान से मुझे ये पढ़ने को मिला कि मुसलमानों में 93 फिरके हैं, फिर भी हम लोगों से कम है, हमारे 6000 है, और ये 6000 फिरके हमने नहीं बनाए हैं। जो हमारा दुश्मन है, जाति के नाम पर जो फिरके उन्होंने बनाए हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए हैं। तो फिरके हैं, मगर सभी फिरके के तमाम लोगों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आज की परिस्थिति में जिस तरह से परिस्थितियों का विश्लेषण और समझदारी नोमानी साहब बताने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे आज तक इंडिया में कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस तरह से परिस्थितियों को समझने वाला नहीं मिला। मैं थोड़ा सख्त मिजाज आदमी हूं, किसी की प्रशंसा करने का बिल्कुल आदि नहीं हूं। मेरा कैरेक्टर थोड़ा वो सख्त किस्म का आदमी हूं और मुंह पर बोलने का आदि हूं, जो सही है सही सही है, मगर दुश्मनी नहीं पालता हूं। जो सही है वो बोल देने का, मगर दुश्मनी और अपने मन में दुर्भावनाओं का पालन नहीं करने का, यह बात अलग होती है। क्योंकि इसके पीछे में कोई दुर्भावना नहीं है ऐसा कहने की, मगर यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से समाज में, हमारे भी समाज में बहुत सारे फिरके हैं और आपके भी है, मगर आपको नोमानी साहब के जैसा रहबर मिला है तो उसको आप साथ दीजिए, समर्थन में खड़े हो जाइए, ताकत पैदा करिए। दुनिया में इंसाफ कायम करना बगैर ताकत से संभव नहीं हुआ है आज तक, तो अब ताकत पैदा करो। ताकत एक सत्ता की होती है, ताकत एक संगठन की होती है, केवल सत्ता की ताकत नहीं होती है। सत्ता के पहले संगठन की ताकत होती है, जिस संगठन की ताकत होती है वो सत्ता तक पहुंचती है।
सत्ता के पहले भी ताकत होती है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप नुमानी साहब के समर्थन में खड़े होकर एक ताकत देश में पैदा करोगे तो निश्चित रूप से बदलाव की एक प्रक्रिया भारत में शुरू हो जाएगी। मुसलमानों को सेकुलर स्लोगन की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को सेकुलर स्लोगन, सेकुलरिज्म एंड द स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म, द डिफरेंस बिटवीन स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलरिज्म, समझ लो। सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, मगर मैं ऐसे मानता हूं कि सेकुलरिज्म को भारत में परिवर्तन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूं, बहुत मौलिक बात बता रहा हूं। सेकुलरिज्म को भारत का ब्राह्मण परिवर्तन रोकने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस देश में एससी एसटी ओबीसी इन लोगों को सबसे ज्यादा परिवर्तन चाहिए, सबसे ज्यादा इन लोगों को परिवर्तन चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन के लिए आप खड़े हो जाओ उनके समर्थन में, इंसाफ कायम करने के सिद्धांत में यह बात शामिल है। अगर आप परिवर्तन के जिनको चाहिए एससी एसटी ओबीसी को, अगर उनके परिवर्तन के समर्थन में आप खड़े हो जाओ तो ब्राह्मण परिवर्तन के इस अभियान में एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काने में कामयाब नहीं होगा। ब्राह्मण मुसलमानों के घर पर जाकर फसाद करने वाला नहीं है, ब्राह्मण मुसलमानों के पास जाकर हत्या करने वाला नहीं है। जितने अभी लोग हैं ये हत्या करने वाले मुसलमानों के, ये आम तौर पर पहले नंबर पर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, बैकवर्ड क्लास के हो, मगर ये तमाम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। और प्राइवेट में ब्राह्मण लोग कहते भी होंगे कि ये जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बैकवर्ड लोग कर रहे हैं। बैकवर्डों को मुसलमानों के विरोध में वही भड़का रहे, और प्राइवेट में आपको ये भी बोल रहे होंगे हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बैकवर्ड लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे मुसलमान मुझे कहते भी है, आप कहते हो मेश्राम जी कि मुसलमानों को और इन बैकवर्डों को इकट्ठा किया जाए, मगर आप ही ये लोग तो हमारे घर पर हल्ला करते हैं। ऐसा मुसलमानों के बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं कहता हूं अगर चौराहे पर कोई बैकवर्ड आदमी, कोई पागल आदमी ये कहे कि प्रणब मुखर्जी देश का प्रधान राष्ट्रपति नहीं है, हम राष्ट्रपति है, तो आप मान लोगे? तो ये जाहिल लोग है, तो जाहिलों का तो इस्तेमाल होगा ना। ये एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं ये आपके बीच में ही नहीं, मैं उन लोगों के बीच में भी यही कहता हूं कि जाहिल है, उनको जहां बना के रखा गया है 3000 साल से मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, जबकि कुरान में पहला शब्द है इकरा पढ़ो, और मनुस्मृति में लिखा है इनको पढ़ने मत दो, रोको। और अगर अपने से कोई बैकवर्ड पढ़ रहा है तो उसका अंगूठा काटो, महाभारत में लिखा हुआ है एकलव्य का अंगूठा काट लिया, वो उसको किसी पढ़ाया नहीं किसी ब्राह्मण ने, वो अपने से पढ़ा तो उसका अंगूठा काट लिया। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि उन लोगों के लिए परिवर्तन का आगाज आप कर दोगे तो वो लोग परिवर्तन का आपका मुद्दा जो है स्वीकार करेंगे, और परिवर्तन में सेकुलरिज्म इंक्लूड है। सेकुलरिज्म में परिवर्तन शामिल नहीं है। मैं मौलिक बात आप लोगों को बता रहा हूं, नुमानी साहब
ये फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं। सेकुलरिज्म में परिवर्तन शामिल नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म का नाम लेकर मुसलमानों का ब्राह्मणों ने अपने समर्थन में साथ खड़ा किया और परिवर्तन को रोका। मुसलमानों का सारा इतिहास परिवर्तन का इतिहास है। तमाम मोहम्मद साहब के जीवन से आज तक सारी दुनिया में यह परिवर्तन का इतिहास अभी भी बंद नहीं पड़ा हुआ, ये चालू ही है। सारी दुनिया में अभी भी ये आंदोलन चालू ही है परिवर्तन का। अगर ये आंदोलन परिवर्तन का है तो इन लोगों को सबसे ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है, और इन लोगों को जिनको परिवर्तन की जरूरत है, अगर मुसलमान परिवर्तन के लिए उन लोगों का साथ देते हैं, ब्राह्मण के मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अब बताता हूं। मनुस्मृति में लिखा है, तेली का मुख अगर ब्राह्मण ने देख लिया तो उसका 24 घंटा बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है तेली का मुख देखने से। नरेंद्र मोदी तेली है, मैं नरेंद्र मोदी के जाति का उल्लेख उनको कोई डिफेम करने के मकसद से नहीं कर रहा, विश्लेषण के मकसद से कह रहा हूं। तो उनका धर्म ग्रंथ यह कहता है कि इनके पास नजदीक से भी मत गुजरो, उनके बस्ती में मत जाओ, उनको कुछ मत बताओ, ऐसा मनुस्मृति कहती है। मगर ब्राह्मण उन बैकवर्डों के एरिया में गए, पाबंदी होने के बावजूद भी गए, और उनको उन्होंने समझाया। क्या समझाया? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, पाबंदी है, उनके धर्म ग्रंथ उनको उन बैकवर्डों के बस्ती में जाने के लिए पाबंदी लगाते हैं, फिर भी वो ब्राह्मण उनके बस्ती में गए और उन्होंने उनको कहा कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। वो जाहिल लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के जाहिल लोग हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। आधे पढ़े लिखे जाहिलों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये ज्यादातर जो मारने काटने वाले लोग हैं ना, वो अनपढ़ नहीं है। मैं आपको दावे के साथ लिख देता हूं, जितने भी मारने काटने वाले लोग हैं हमारे बैकवर्डों के मुसलमानों को, वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, मगर आधे पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण उनको जो कहते हैं उसका वो विश्लेषण करके सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, वो मान लेते हैं। उनके धर्म ग्रंथों ने उनको पाबंदी लगाई, वहां जाने के लिए वो गए। आपके धर्म ग्रंथों ने आपको आदेश दिया, मजलूमों के पास जाओ। अल्लाह ताला ने आपको कहा जाओ, आप नहीं गए। संकट की जो खतरे की घंटी है वो यहां है, आपको तो आदेश है, अल्लाह ताला का आदेश है, डिवाइन आदेश है। अगर आप अल्लाह ताला का ही आदेश नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा? न यहां बख्शेगा न वहां, जब फैसले की घड़ी आएगी ना तब भी नहीं, तब भी आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखो, ये आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है, जो असल मोमिन है उसकी जिम्मेदारी है। इस वजह से संकट खड़ा हुआ है। हम संगठन में बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपने लोगों को जहन के तौर पर मानसिक रूप से तैयार करते हैं, उसके लिए मैं 5-5 दिन बोलता हूं, अकेला 5 दिन बोलता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। मैंने नोमानी साहब को भी कहा कि अगर हमारी कोई मदद चाहिए मुसलमानों के नए नौजवानों को कैडर बिल्डिंग करने के लिए, ये जो एकता फोरम है इसके लिए, उसके लिए भी मैं समय दूंगा। मैं ये कहने में यकीन नहीं करता कि मैं आपको नैतिक समर्थन दूंगा, नैतिक समर्थन का कोई मीनिंग नहीं होता है, मैं संगठित शक्ति से मदद करूंगा। हाँ, ये समझो, यानी कि मैं नैतिक रूप से नुमानी साहब आपको समर्थन करूंगा, ये तो शब्दों का छल है,
यह धोखा है। मैं ऐसी बात कहने वाला नहीं हूं, मैं संगठन शक्ति के साथ में, हम कमजोर हैं मगर हम अपने किरदार से कमजोर नहीं है। ध्यान देखो, हम कमजोर हैं मगर हम अपने किरदार से कमजोर नहीं है, और आपके जैसे ताकतवर लोगों के साथ ताकतवर लोगों को भी हम लोग आपको भी मदद कर सकते हैं। जब हम लोग इस तरह का आप लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हैं, भारत के हालात देखो, ऐसे हालात में ऐसे बोलने वाला कोई आदमी मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो केवल बोलता नहीं हूं, मैदान में संकट में खड़ा होता हूं। रुमानी साहब को पता है मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता। संकट में हम खड़े होते हैं, और दोस्तों की असली पहचान संकट में होती है। जब संकट आता है तब असली दोस्तों की पहचान होती है, और जो असली दोस्त जिनको आपने किया कहा वो केवल स्लोगन देते हैं सेकुलरिज्म का, वो संकट में आपके समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। जब संकट आता है तो आपके समर्थन में सेकुलरिज्म पर भाषण शुरू कर देते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह के स्लोगन सेकुलरिज्म से कुछ होने वाला नहीं है। बात को समझना जरूरी है, ये विकल्प क्या है, क्या विकल्प है। मैं ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा विकल्प है। विकल्प क्या है, मैं आपको विकल्प के तौर पर कुछ बात समझाना चाहता हूं एग्जाम्पल देकर, ताकि आप बात को समझें। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है। मुसलमानों की संख्या 15% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वाले ब्राह्मण मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं, आप भी मान लेते हो, मुझे अजीब लगता है। क्या आपके अंदर कोई मैथमेटिक्स वाला बिल्कुल भी कोई आदमी नहीं है? ऐसा तो मैं नहीं मानता। मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंसिया है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरी ऐसी जानकारी है कि मुसलमानों के पास एससी एसटी ओबीसी से ज्यादा बेहतरीन इंटेलिजेंसिया है। वो इंटेलिजेंसिया जो हमारे पास डाटा है, हमारे पास फैक्ट है, अगर उनके साथ हमारा वार्ता और राबता हो जाए तो उनको इस बात को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हमारी कोशिश है उन लोगों को ये सारी बातें समझाने की, जानने की, बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और लोगों को जानकार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि निश्चित रूप से ये काम किया जाए। जिन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो ये बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जिनको मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, मैं अभी एक कुछ डाटा आपको बताता हूं, हैरान करने वाली बात। मेडिकल साइंस की 63,835 मेडिकल की सीटें हैं ऑल इंडिया में, इसमें कोटे के लिए रिजर्वेशन के लिए 9,575 सीटें खाली है रिजर्वेशन के लिए, और इसमें ओबीसी के लिए 2,585 सीटें मिलनी चाहिए। ओबीसी को 2,585 सीटें मिलनी चाहिए, मिली कितनी 68, परसेंटेज कितना 2, मिलना चाहिए कितना 27%, मिली कितनी 2%। ये आंकड़े सरकार के डॉक्यूमेंट से बता रहा हूं मैं, ये डाटा आपको एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं। बीजेपी के, आरएसएस के, संघ परिवार के और तमाम बचे हुए जो ब्राह्मण हैं, ये मत समझना कि जो आरएसएस के ब्राह्मण हैं वही खतरनाक होते हैं।
ब्राह्मण जो हैं जिसके नाक पर मक्खी बैठती है वो मक्खी जो उड़ाने लायक नहीं है वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो 50,000 और 1,00,000 रुपया आरएसएस को चंदा घर में बैठे बैठे दे देता है और पैकेट में डालकर जब देता है तो उस पर अपना नाम भी नहीं लिखता है। उसको पूछो क्यों नाम नहीं लिखा, बोलता हमको मालूम है वो सही काम के लिए ही लगेगा। हमको अगर हमारा आदमी 10 रुपया चंदा देता है तो 2-4 साल तक पूछते रहता है, अरे वो 10 रुपया दिया था उसका क्या हुआ भाई, आपने बताया नहीं हमको। जिस समाज की ये दानत हो उसका सत्यानाश करने के लिए अल्लाह ताला या किसी की आने की जरूरत क्या है, ये तो हम खुद ही अपना सत्यानाश करते हैं। अपने पब्लिक लाइफ के लिए अगर आप, अपने समाज के लिए अगर आप कुछ चंदा देते हैं तो आपके समाज की ताकत बढ़ेगी, आपके समाज की ताकत बढ़ेगी, वो जो दिया हुआ चंदा फिर लौटकर आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि आपको ताकत जो मिलेगी उससे सारे समाज की ताकत बढ़ेगी और सारे समाज की ताकत बढ़ेगी तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी। ये तो हमको समझ में नहीं आता, ये हमको समझ में नहीं आता। ज्योतिराव फूले को लोगों ने पैसा दिया, बाबा साहब अंबेडकर को लोगों ने पैसा दिया और संविधान में अधिकार दिलवाकर कई गुना लौटा दिया, ब्याज के साथ मिला। ये बात जो है समझना जरूरी, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 2500 सीटें मिलनी चाहिए थी उनको केवल 68 सीटें मिली, 2% मिली। 25% लोगों के साथ धोखा किया गया, वो धोखा एक बैकवर्ड प्रधानमंत्री कर रहा है, बैकवर्ड के साथ ही कर रहा है। अगर एक बैकवर्ड आदमी को यह कहा जाए कि भाई, एक अनपढ़ आदमी को यह कहा जाए एक कुल्हाड़ी ले लो और तुम्हारा बाया पैर इस कुल्हाड़ी से काटो, तो वो अनपढ़ आदमी कहता है मैं अनपढ़ जरूर हूं, मैं गधा भी हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपना आप अपना पैर काट लो। तो 27% सीटें जिस बैकवर्ड को मिलना चाहिए उसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और वो प्रधानमंत्री होते हुए 27% में 2585 सीटें मिलना चाहिए उसको केवल 68 सीटें मिली। उन लोगों को, उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनके दिमाग में यह बिठा दिया कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान है, ब्राह्मण थोड़ी है। मुसलमानों ने ये सीटें नहीं खाई, ये जो सीटों का नुकसान है ये मुसलमानों ने नुकसान नहीं किया बैकवर्डों का। ये नुकसान जो है जो लोग बैकवर्डों का मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने किया, और उन लोगों का ध्यान वो 2585 सीटों के तरफ ना जाए, इसलिए उन बैकवर्डों को गाय के मुद्दों पर मुसलमानों को मारने काटने के लिए भड़काते रहते हैं। जब वो मारते काटते हैं तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, खुद ही वीडियो बनाते हैं। आपको समझ में आता है, अखबार वाले नहीं करते, वो खुद ही वीडियो बनाते हैं। गुजरात में शेड्यूल कास्ट के लोगों को पकड़कर वो लेके गए आइसोलेशन में, वहां कोई वीडियो वाला शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं था, मारने पीटने वाले लोगों ने ही वीडियो बनाया और मारने पीटने वाले लोगों ने ही सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जब मुसलमानों को मारते पीटते हैं तो एक आदमी जो है प्लान बनाकर होता है सारा मामला, एक आदमी वीडियो बनाता है और उसका वीडियो वो वायरल करता है ऑल इंडिया में। क्यों जानते हो क्यों? इससे एंटी मुस्लिम फेबिया डेवलप किया जाए, एंटी मुस्लिम माहौल डेवलप किया जाए। जो लोग अभी प्रभाव में नहीं आए हैं मुस्लिम विरोध के, उन तक भी ये खबरें पहुंचाई जाए और उनको भी मुस्लिम विरोधी वातावरण में शामिल करवाया जाए, ये उसका मकसद है। और इस मकसद में उन लोगों को उन्होंने एंगेज किया,
और एंगेज करने की वजह से उन बैकवर्डों का क्या नुकसान हुआ, 2585 सीटें जिनको मिलना चाहिए था उनको केवल 68 सीटें मिली। उनके तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान गो माता की तरफ, उनका ध्यान ब्राह्मण चालाक कितना है, होशियार कितना है। और जो 25% ज्यादा सीटें जो उनको मिलनी चाहिए थी वो ब्राह्मणों को मिली, जो चौथी पास या सातवीं फेल ब्राह्मण है वो हमारे लोगों को कुंडली बनाता है और 1001 रुपया लेता है। मैंने पूछा, अरे भाई 1000 ठीक है, 1001 क्या है? बोलता 1001 का मतलब है 1000 गारंटी से मिलना चाहिए। 1001 तो एक का मतलब 1000 तो गारंटी से ही मिलना चाहिए। वो कुंडली बनाता है और कुंडली में लिखता है वर्ण शूद्र गण राक्षस। जो आदमी सातवीं फेल है उसको वर्ण भी मालूम है, उसको गण भी मालूम है कि ये राक्षस लोग हैं। हमारे लोगों के कुंडलियों में लिखा होता है और इसलिए वो कहते हैं कि ये कुंडली लाल कपड़े में बांध के रखो, पढ़ना हो तो केवल मेरे पास लाना, खोलूंगा मैं ही, खोलना मत तुम, क्योंकि खोलेगा तो उसको डर लगता साला ये राक्षस मैंने लिखा हुआ है, पता चलेगा। ये प्रवीण गायकवाड़ संभाजी ब्रिगेड के, उसका एक दोस्त था ग्रेजुएट इंजीनियर, उसको शादी करना था तो कुंडली देखना था, कहा कि ठीक है देखो निकालो तो, नहीं नहीं बोलता पंडित जी ने खोलने के लिए मना किया हुआ है, उधर जाके खोलेंगे। अरे खोलो तो कोई बात नहीं, खोला तो लिखा था वर्ण मराठा आदमी का, वर्ण शूद्र गण राक्षस, मराठा आदमी के लिए राक्षस लिखा हुआ है, बाकी लोगों का तो कोई मतलब है ही नहीं भाई। जब मराठा का ये मामला है तो बाकी लोगों का कुछ है? तो मैं ये डाटा बता रहा हूं आप लोगों को, ये गवर्नमेंट का डाटा रिजर्व किया है 2585 सीटें, रिजर्व होने के बावजूद भी नहीं दिया, उनका कोटा है। जो जनरल कोटा है उसमें तो उनको मिलना ही नहीं है, जो उनका कोटा है उनको देने के लिए मना कर दिया, उसके तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका ध्यान उन्होंने गौ माता के तरफ डाइवर्ट किया। जब मैं पिछली बार अमेरिका से वापस आया गया एक महीना, तो वहां गौ माता नहीं है, वहां जर्सी माता है, अमेरिका में कोई गौ माता नहीं है। तो वहां जो भारत के ब्राह्मण गए हुए हैं उनको जर्सी माता का खाने में अच्छा नहीं लगता, तो भारत से मंगाते। रियलिटी बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं है। बोलता नहीं जर्सी माता का मजा नहीं आता है, बोलता है गौ माता होना चाहिए और वो भी भारत की होनी चाहिए। और बीजेपी आने के बाद 19% एक्सपोर्ट जो गौ माता का मांस है वो बढ़ गया। ये सरकार का आंकड़ा है नुमानी साहब, सरकार का आंकड़ा है 19% एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया। मैं पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहां प्रशांत राले हमारे कार्यकर्ता है, तो उनको मैंने यही पूछा कि भी यहां का जो ब्राह्मण लोग आए हुए इनका क्या हालत है। तो उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया कि एक बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मराठा और ब्राह्मण लोगों को बुलाया था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बफे सिस्टम था खाने का, खाने के सिस्टम में जब हम लोग लाइन में खड़े हो गए तो जो मराठा आदमी था वो शाकाहारी लाइन में खड़ा हो गया। तो शाकाहारी लाइन में खड़ा हो गया तो अपने पीछे देखा, अरे जोशी कहाँ हो तुम जोशी? तो जोशी उधर गौ माता के लाइन में खड़ा था। तो उसने कहा अबे तू गलत जगह खड़ा है, तू इधर आ जाइए, इधर शाकाहारी अपनी लाइन इधर है उधर। नहीं बोलता मैं सही जगह वही खड़ा हूं, बराबर है, मैं जानता हूं वहां क्या है। अबे वो गौ माता का है, बोलता इसीलिए खड़ा हूं। क्यों? तुम तो हम लोगों को मना करते थे ऐसा मत करो और तुम वो इधर खाते हो। बोलता है मराठे अबे ये ऑस्ट्रेलिया है, महाराष्ट्र नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब तुमको ये समझ में नहीं आता सारा, हम क्या करें? अब देखो
मैं तो कहता हूं ओपिनियन पोल अगर अमेरिका यूरोप का किया जाए इसका, तो सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। साथियों, इस संबंध में मैं और ज्यादा बात ना कहते हुए अब केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वो है ईवीएम से संबंधित बात। क्योंकि मैंने इस देश में ईवीएम के विरोध में लड़ाई लड़ी, और खास बात बताना चाहता हूं ईवीएम के रेफरेंस में। ईवीएम की वजह से मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो हो गया। मैंने ये बात सबसे पहले नोमानी साहब को बताई। मुसलमानों का वोट वैल्यू जानते हो कितना है? मुसलमानों की वोटों की वजह से ही कांग्रेस दिल्ली के सत्ता में पहुंचती थी। जितनी बार 57 साल कांग्रेस ने राज किया मुसलमानों के सपोर्ट के आधार पर, स्टैंप पेपर लिखवा सकता हूं, मुसलमानों का वोट वैल्यू इतना है। मगर आज के तारीख में जब से ईवीएम आया है, ईवीएम आने के बाद मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो हो गया, और छोटा जीरो होने के बजाय बड़ा जीरो हो गया। एक बहुत बड़ा हथियार था मुसलमानों के पास में, वो हथियार जीरो कर दिया उन्होंने। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में थी, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, फिर भी 330 सीटें उन्होंने जीती। जो पॉसिबल नहीं है वो हुआ। साथियों, मैं वही आपको बताना चाहता हूं, और ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। आप सोचते होंगे क्या कह रहे हो, हमें कैसे मालूम नहीं हुआ? हां, ये तो मुझे भी हैरानी है कि आपको कैसे मालूम नहीं हुआ। अखबार वालों ने इस खबर को नहीं छापा। ये लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट देता है तो अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़े लाइन में छपता है, एडिटोरियल छपता है, कमेंट्री छपती है, एक्सपर्ट ओपिनियन छपता है, आर्टिकल छपते हैं। मगर इसकी खबर 8 अक्टूबर 2013 को इतना बड़ा फैसला देने के बाद भी आज तक इसकी खबर अखबार वालों ने नहीं छापी। ये जजमेंट देने के 3 साल और लगभग 10 महीना हो गया। 3 साल 10 महीना होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, फिर भी ये खबर अखबार वालों ने नहीं छापी। क्यों नहीं छापी? सवाल है, क्यों नहीं छापी? क्योंकि दुनिया में जितने भी षड्यंत्र होते हैं वो छुपकर होते हैं। अगर ये षड्यंत्र नहीं होता तो इसको खुलकर लोगों को बताने की जरूरत थी। ये षड्यंत्र था, इसीलिए लोगों से छुपाया गया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन के विरोध में, और 5 महीने बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग ने ये जो फैसला दिया, इस फैसले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल नाम की मशीन जोड़नी होगी, ए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने आपने किसी साधारण आदमी ने नहीं कहा, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, भारत की सबसे बड़ी अदालत, उसने कहा। जब उसने यह बात कही तो चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाकर 2014 का चुनाव संपन्न कराना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग ने
543 सीटों में से केवल 13 सीटों पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया, और वो मशीन उन्होंने नागालैंड और मिजोरम में ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर लगाया, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, गुजरात और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को, प्लेन एरिया के लोगों को इसकी खबर भी नहीं होनी चाहिए। खबर तो खबर, इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए, इतना दूर लगाया। अब ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर अगर कोई लगाएगा और मशीन को हवा टच करेगी तो बंगाल तक आके रुक जाएगी, बंगाल से आगे हवा भी नहीं आने वाली है। तो आपको उन लोगों ने, चुनाव आयोग ने जतन किया कि आपको जानकारी तो जानकारी, इसकी खबर भी आपको, इसकी हवा भी आपको नहीं मिलनी चाहिए। क्या है इस फैसले में, मैं फैसला थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ईवीएम मशीन के बारे में क्या कहता, ताकि आपको पता चले और आपको इसके बारे में आने वाले समय में अगर बहुत बड़ा काम मुसलमान नहीं करते हैं तो मुसलमानों का इसकी वजह से बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, और मुसलमानों का वोट वैल्यू जो जीरो कर दिया है वो जीरो से उसको उसी स्थिति में लाना होगा जिस स्थिति में पहले था। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पढ़ के सुनाता हूं, अंग्रेजी में है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस बाय बोथ द साइट, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया तो उन्होंने दस्तावेज दिया, उनके दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हमने पढ़ा, और उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया, उसके जवाब को भी हमने पढ़ा, दोनों को। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस बाय बोथ द साइट, दोनों तरफ के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद वी आर सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब है कि भारत में फ्री और फेयर, फ्री यानी मुक्त और फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है तो केवल ईवीएम मशीन के आधार पर मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को जोड़नी होगी। ये हो गया ट्रांसलेशन। इसका दूसरा मतलब है उल्टा, नहीं लगाएंगे तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसका उल्टा मैं आपको दोनों तरफ से बताता हूं, सीधा और उल्टा। नहीं लगाओगे तो फ्री फेयर नहीं होगा, लगाओगे फ्री फेयर होगा। सवाल मेरे समझने का नहीं है, सवाल सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे को तो समझ में आया, इसलिए तो लड़ रहा हूं, बहुत पहले से लड़ रहा हूं। आगे, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। अभी मतदाताओं का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम को लगाने के बाद ही ईवीएम मशीन मतदाताओं का विश्वास हासिल कर सकती है। उल्टा करो, यदि पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई जाएगी ईवीएम को तो ईवीएम मशीन मतदाताओं का विश्वास हासिल नहीं कर सकती। मैं दोनों तरफ से आपको बता रहा हूं। आगे, ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जब ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ी जाएगी तब मतदाताओं को गारंटी दी जा सकती है कि जो मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। इसकी गारंटी पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद ही दी जा सकती है। उसका उल्टा करो, अगर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई तो जो मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डालता है उसको गारंटी नहीं दी जा सकती, उसका वोट जिस कैंडिडेट को उसने दिया उसका वोट उसी के नाम पर जमा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।
मैं थोड़ा आप लोगों की लेवल समझकर थोड़ा समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे समझने का मामला नहीं है, मैं तो एक लाइन में समझ रहा हूं, आपको समझना जरूरी है, इसलिए उल्टा पुल्टा करके समझा रहा हूं। आगे आगे वी डन इंटेंड टू हैव ए फुल ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। हमने ये पेपर ट्रेल लगाने का जो फैसला दिया है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वी डन इंटेंड टू हैव ए फुल ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, हम चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्णता पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंसी, हिंदी में पारदर्शिता, दोनों शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। ये शब्द समझने के लिए मैं आपको चुनाव के साथ जोड़कर इसका अर्थ समझाता हूं, तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईवीएम मशीन की टेक्निकल इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को है, मतदाता को नहीं है, कैंडिडेट को नहीं है, पार्टी को नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं है, दूसरे पार्टी को नहीं है, तीसरे पार्टी को नहीं है, चौथे पार्टी को नहीं है, केवल ईवीएम मशीन की जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और दूसरे लोगों को नहीं है। इसका मतलब है दूसरों से छुपाई गई, दूसरों से छुपाने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब होता है दोनों तरफ के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर बीजेपी के विरोध में वामन मेश्राम लड़ रहे हैं, वामन मेश्राम को भी जानकारी होनी चाहिए और बीजेपी को भी जानकारी होनी चाहिए। केवल बीजेपी को जानकारी हो और वामन मेश्राम को जानकारी ना हो, इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है, इसका मतलब है पारदर्शिता। ये जो शब्द है पारदर्शिता, ये संस्कृताइज्ड हिंदी है, उर्दू हमको समझ में आती है मगर हिंदी ब्राह्मणों की समझ में नहीं आती, ऐसे उन्होंने शब्द गढ़े हुए हैं। राजभाषा कोश उन्होंने बनाया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों ने संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया था, नहीं बना पाए, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी के पीछे संस्कृत को लगा दिया और हिंदी को इतना बिगाड़ दिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसा कहना पड़ा कि भाई मुझे अंग्रेजी समझ में आती है मगर हिंदी समझ में नहीं आती। मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में कहा और कहा, उसने कमेटी बनाई, इसको थोड़ा सरल बनाया जाए, इस हिंदी को थोड़ा सरल बनाया जाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों मैं आपको समझाने के लिए बातें बता रहा हूं। आगे विद एन इंटेंट टू हैव ए फुल ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्णता पारदर्शिता लाने के लिए, और आगे एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स, बहुत फंडामेंटल बात है। एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स का मतलब है ईवीएम मशीन पर जो विश्वास मतदाताओं का गया हुआ था, उस विश्वास की पुनर्बहाली, रिस्टोर मींस पुनर्बहाली करने के लिए क्या कहते हैं, करने के लिए क्या करना होगा, इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम विद पेपर ट्रेल सिस्टम। क्लियर है, ईवीएम मशीन के विरोध में एक क्लियर जजमेंट है और क्लियर जजमेंट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सबसे बड़ी अदालत का जजमेंट, 5 महीने बाद भारत के 2014 के चुनाव में केवल नागालैंड मिजोरम में लागू किया गया, 530 जगह पर लागू नहीं किया गया। जिन 6 सीटों पर लागू नहीं किया, उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली, 530 में से ही बीजेपी को 283 सीटें मिली। हमने चुनाव आयोग के साइट पर जाके 1950 से लेकर अब तक के चुनाव के आंकड़ों को वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद हम लोगों को चौंकाने वाले आंकड़े मिले, वो आंकड़े ये थे कि 31% बीजेपी को वोट मिला और 31% वोटों से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सिंपल मेजोरिटी अर्थात 272 सीटें भी नहीं मिली। बीजेपी को 2014 के चुनाव में 31% मिला और 31% वोटों से इसके पहले के चुनाव में, संसदीय चुनाव में, किसी भी राजनीतिक दल को
सिंपल मेजोरिटी यानी 272 सीटें नहीं मिली, मगर बीजेपी को उससे ज्यादा 11 सीटें मिली। नमानी साहब बहुत चौंकाने वाली बात है, 11 सीटें और मिली जबकि सिंपल मेजोरिटी भी किसी को नहीं मिली। मगर ईवीएम मशीन के घोटाले का ये बहुत बड़ा सबूत है। 16 मई को रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद एक चुनाव का रिजल्ट आने के एक महीने बाद मैं दादर में भाषण कर रहा था, एक लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया, डायस पर इकोनॉमिक टाइम्स की अखबार को रखा। मैंने कहा क्या है, कहा कि बड़ी खबर है, भाषण करने के बाद पढ़ लेना। मैंने देखा, मैं एकदम चौंक गया। खबर थी चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में, भंगार में बेचने का फैसला किया। मेरे मन में सबसे पहले सवाल पैदा हुआ जिन मशीनों पर 16 मई को 2014 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वो एक महीने में कबाड़ कैसे हो गई। आप लोगों को मालूम हो इसलिए बता रहा हूं, वो भंगार कैसे हो गई। मैं हाईकोर्ट के लॉयर के पास गया, हाईकोर्ट के लॉयर ने कहा अखबार की खबर को हाईकोर्ट सबूत नहीं मानती है। मैंने कहा क्या करना होगा, कहा कि ठोस सबूत लाओ उसके बाद आ जाना, अभी मेरा समय बर्बाद मत करो। उसका भी वैसा ही है, हम अखबार की खबर लेकर गए तो हमने मंथन किया, मंथन करने के बाद निर्णय किया कि अब ठोस सबूत कैसे हासिल किया जाए। हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और कहा इकोनॉमिक टाइम्स में ऐसी ऐसी खबर छपी है कि 8 लाख मशीनें स्क्रैप में, कबाड़ में, भंगार में बेचने का आप लोगों ने फैसला किया है, क्या ये खबर सही है। चुनाव आयोग ने एक महीना के बाद हमको लिखकर भेजा खबर सही है। तो हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो हमारे पास रिटर्न सबूत आ गया, क्या चुनाव आयोग ने ए बेचने का फैसला किया। जब खबर आई तो फिर हमने सोचा, जब हमारे पास दस्तावेजी एविडेंस आ गया तो हम तो हमारे पास में ठोस सबूत आ गया, तो हमने सोचा, क्या सोचा, चुनाव आयोग ने ये मशीनों को एक महीने में बेचने का फैसला क्यों किया होगा, क्यों किया होगा। तो हमारे मन में दो सवाल पैदा हुए, नंबर एक, मशीनों की मियाद खत्म हो गई होगी, नंबर दो, ईवीएम मशीन के डाटा में सबूत होंगे, और कोई पागल आदमी अगर वो वामन मेश्राम हो और सुप्रीम कोर्ट में जाए और मशीनों को सील करने का आदेश ले आए तो ईवीएम मशीन के अंदर सारे सबूत है तो हम लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है, ये सामान्य मामला नहीं है। 125 करोड़ लोगों के जनतंत्र के साथ इस तरह का व्यवहार करना, ये तो देशद्रोह का मामला बनेगा। तो चुनाव आयोग, जो आदमी चोर होता है उसको हमेशा डर होता है, उसके मन में अपराध बोध होता है, तो इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने ऐसा कर दिया हो ताकि कबाड़ में बेचने के बाद में ईवीएम मशीन को, कबाड़ बेचने के बाद इसको लोहा बनाया जाए। लोहा बनाने से क्या होता है, ईवीएम मशीन में दो पार्ट है, एक पार्ट है हार्डवेयर, एक पार्ट है सॉफ्टवेयर। अगर कबाड़ बनाओ तो दोनों का हार्डवेयर हो जाएगा, दोनों का लोहा हो जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर में डाटा है वो डाटा खत्म हो जाएगा। डाटा खत्म होते ही ईवीएम के अंदर जो सबूत है वो खत्म हो जाएगा। हमने सोचा, अनुमान से सोचा, क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए पहले अनुमान करना पड़ता है, तो अब इस अनुमान को सच कैसे माना जाए। तो हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, कहा ये मशीन आजकल आप 2-3 हजार रुपए का अगर मोबाइल खरीदते हो तो भी गारंटी कार्ड दिया जाता है, आपको
इतना बड़ा सौदा आपने किया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आपने खरीदी, तो कंपनी वालों ने आपको जरूर गारंटी कार्ड दिया होगा। ओरिजिनल कार्ड आप अपने पास रखिए, उसका जेरोक्स हमको अटेस्टेड करके दीजिए, जानकारी के अधिकार में जितना पैसा आपको लगता है हमसे जरूर लीजिए। अब गारंटी कार्ड में लिखा होगा कि ये जून महीने के 15-20 तारीख को 2014 में ही इसको कबाड़ बनाना है या नहीं बनाना है, हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा लेटर लिखा, लेटर लिखा कि हमें यह कहना है कि चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी नॉन टेक्निकल होते हैं, ईवीएम मशीन टेक्निकल है, इसलिए टेक्निकल मशीन को कबाड़ घोषित करने की अथॉरिटी नॉन टेक्निकल अधिकारियों के पास नहीं होती है। पिन पॉइंट है, इसलिए क्या आपने इन टेक्निकल मशीनों को कबाड़ घोषित करने के लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई? यदि बनाई तो कितने लोग कमेटी में थे, उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर हो तो जरूर दिया जाए, और पोस्टल एड्रेस जरूर दिया जाए, और इसका जितना पैसा लगता है वो पैसा हमसे जरूर लिया जाए। जब ये लेटर हमने लिखा, चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए कि कोई हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें वो डॉक्यूमेंट देने के लिए इनकार कर रहे हैं। जब उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट देने से इनकार किया तो हमारा विश्वास, हमारा यकीन और ज्यादा बढ़ गया, दाल में जरूर कुछ काला है। पूरा भाषण सुनने के बाद आपको लगेगा कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। मेरे पास बहुत सारे सबूत है, दस्तावेजी सबूत है, मैं पहला आदमी हूं जिसके पास इसके दस्तावेजी सबूत है। चुनाव आयोग सबको बुलाता है ईवीएम को हैक करने के लिए, वामन मेश्राम को नहीं बुलाता है। चुनाव आयोग ने हमें यह जानकारी देने से हिलावाली की तो हम लोग, हमने लड़ाई बंद नहीं की, हमने मामला शुरू कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, तीन हाईकोर्ट में एक साथ केस दायर कर दिया। पटना हाईकोर्ट की जुडिशरी कितनी महान है, उन्होंने आज तक हमको हियरिंग के लिए तारीख ही नहीं दी। आप अंदाजा लगाओ हमारे देश के जुडिशरी में क्या चल रहा है। हमारे से पीछे से, हमारे एक साल पीछे वालों को तारीख मिल गई, हमें आज तक तारीख नहीं मिल गई। अभी मैं लेटर लिख रहा हूं वहां के चीफ जस्टिस के विरोध में, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब तो डिस्पोज ऑफ करो, कम से कम डिस्पोज ऑफ तो करो। चंडीगढ़ के हाईकोर्ट ने कहा आपके सबूतों को बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा मेरिट है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जबकि हाईकोर्ट को भी वही पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हाईकोर्ट को भी है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस हीरिंग को ही ना आए इसके लिए कोशिश हो रही है। जिस वकील को जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था उसके नाम पर हमने केस रजिस्टर की, हमारे के पीछे की केस हीरिंग को आई, हमारी केस नहीं आई, तो मैंने आदमी को दिल्ली दौड़ाया, श्रीकांत को हैदराबाद से, और दौड़ाने के बाद पता चला कि वकील ने हमें पूछे बगैर ही हमारा केस विड्रॉ कर दिया। दोमानी साहब, वकील ने हमारी केस, हमें पूछे बगैर ही हमारा केस विड्रॉ कर दिया। अब अंदाजा लगाओ एक कॉन्स्पिरेसी ईवीएम की कितने बड़े पैमाने पर है। अगर एक ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मेरी केस हीरिंग के लिए लाने के लिए दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने इतने सबूत दिए, इतने सबूत दिए, इतने सबूत दिए,
कि जिस वकील ने मेरा केस विड्रॉ किया उसने कहा मैं मुफ्त में लड़ता हूं, गारंटी से जीत जाएंगे। जिस वकील ने मुझे कहा कि मैं मुफ्त में लड़ता हूं, मेरे नाम पर क्रेडिट जमा होगा, उसी ने मेरा केस विड्रॉ कर दिया। मैं समझ गया वकील ने नहीं किया, बाहरी शक्तियां ऐसा करने के लिए कोशिश कर रही है। मैं इतना नादान तो हूं नहीं, मैं समझता हूं। मैंने कहा अभी किया क्या जाए। मैंने अपने दूसरे जूनियर लॉयर को SMS भेजा, मेरे वकील ने विड्रॉ किया मेरे पूछे बगैर, मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस वकील पर करना चाहता हूं, क्या आपकी राय है? उसने कहा इंडियन पिनल कोड में जो आप कह रहे हो वो ऐसा कर सकते हो। मैंने वकील को केवल इसलिए पूछा क्योंकि मैं अपने वकील को बताकर जिसने विड्रॉ किया वहां तक मैसेज पहुंचाना चाहता था। तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। मेरे वकील ने जो जूनियर था उसने एडवोकेट एंड रिकॉर्ड वकील को तुरंत जाकर बताया कि वामन मेश्राम जो है वो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, विश्वासघात का केस दायर करने वाले हैं और बार काउंसिल में आपका सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए दूसरी केस दायर करने वाले हैं। तो उसने पूछा कि ये वामन मेश्राम कौन आदमी है भाई, ये वकील से ज्यादा इसका दिमाग चलता है, ये तो वकील है नहीं है। मगर पिन पॉइंटेड जैसे ही हमने उसको बताया उसने तुरंत मैसेज दिया मैं दोबारा रजिस्टर करता हूं। हम भी उस्ताद लोग, हमने उसी के नाम पर दोबारा रजिस्टर किया। मैंने कहा देखता हूं अब ये कैसे विड्रॉ करता है। केस हियरिंग के लिए आई, हियरिंग के लिए आने के लिए 3 बार चीफ जस्टिस को इंटरवेन किया, 3 बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर देने के बाद भी मेरी केस हियरिंग के लिए नहीं आई। आप अंदाजा लगाओ मामला क्या है। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया हियरिंग के लिए, नहीं किया। 6 महीने तक चुनाव आयोग ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि मुश्किल से 4 जनवरी 2017 को केस हियरिंग के लिए आई, मेरे खिलाफ 4-4 वकील लड़ रहे थे। सीनियर मोस्ट लॉयर ने जज को कहा, उसके पहले मैं वो किस्सा आपको बताना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के जाने के पहले लेटर लिखा। वो लेटर ये था कि जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आप चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगा रहे हो। चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे। जब चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया तो मैंने चुनाव आयोग को दूसरा लेटर लिखा और कहा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। क्या चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था ताकि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट किया जा सके। क्या आपने ऐसी चिट्ठी चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को लिखी? आपने ऐसा नहीं लिखा। आपने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी कि जुडिशियरी ने जो फैसला दिया वो फैसला अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या आपने ऐसी चिट्ठी लिखी? आपने ऐसा भी नहीं किया। क्या आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई ताकि बीजेपी के लोगों को नंगा किया जा सके? आपने ऐसा भी नहीं किया। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को बताया कि जिस मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया वो प्रधानमंत्री फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया भारत के प्रजा को? आपने ऐसा भी नहीं किया। ऐसा लेटर मैंने चुनाव आयोग को लिखा, मंशा थी चुनाव आयोग कोई जवाब देता, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने चुनाव आयोग के विरोध में केस दायर किया। चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार किसी आदमी ने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया। इन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की। सारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव आयोग से डरते हैं, चुनाव आयोग केवल मेरे को डरते। मैं उत्तर प्रदेश में भाषण के लिए गया
चुनाव आयोग का आदमी मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए सामने बैठा। तो कार्यकर्ता ने आकर बताया, चुनाव आयोग का आदमी आपके भाषण को रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने भाषण जो कर रहा था चेंज कर दिया और चुनाव आयोग के विरोध में ही भाषण शुरू कर दिया। दो चार मिनट के बाद में चुनाव आयोग के आदमी ने अपना वीडियो कपड़े में लपेटा, थैली में डाला और चुपके से निकलकर चला गया। मैं 100-150 जगह गया यूपी में, मगर दोबारा मुझे चुनाव आयोग का आदमी मेरे सभाओं में मेरे भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए कभी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, अरे हम तो भाषण करने वालों का भाषण इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसको पकड़ ले, ये तो चुनाव आयोग को ही पकड़ रहा है, इसको कैसा पकड़े। तो साथियों, चुनाव आयोग के लोग सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी को डराते और केवल मेरे को डरते। हियरिंग 4 तारीख को हुई, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट लॉयर सुप्रीम कोर्ट के जज को कहने लगा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है वो ऐसे ऐसे लेटर लिखता है चुनाव आयोग को, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने कहा, कैसे कैसे लिखता है? तो कहा, जज साहब वो लेटर पढ़ के सुनाओ। हाँ पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। तो जो 4 मुद्दों का लेटर अभी मैंने आपको बताया वो वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को सुनाया। सुनाने के बाद जज को लगा, अरे ये तो 4 मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो संवैधानिक है, कानून के बाहर कुछ है नहीं है। राष्ट्रपति को लिखना संवैधानिक है, चीफ जस्टिस को लिखना संवैधानिक है, सर्वदलीय मीटिंग बुलाना संवैधानिक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना संवैधानिक है, ये तो संविधान के बाहर है नहीं। इसलिए जज ने कहा, लेटर थोड़ा बज रुको हाँ बज रुको, और बताओ वामन मेश्राम ने जिस पर्पज के लिए ये केस दायर की है उसमें उनका कहना है कि हमने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया था और आपने नहीं लगाया, आप कब तक लगा रहे हो? जज ने पिन पॉइंटेड पूछा, कब तक लगा रहे हो? जो सीनियर मोस्ट लॉयर था, 4 वकील थे, दूसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, दूसरा लॉयर तीसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, तीसरा लॉयर चौथे लॉयर की तरफ देखने लगा और चारों लॉयर को ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। तो जज को लगा वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है। जब वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है तो जज ने आवाज चढ़ाकर बोला, कब तक लगा रहे हो? तो वकील को लगा अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, चुपचाप रहना ठीक नहीं होगा। तो वकील ने कहा कि आप पेपर ट्रेल कब तक लगा रहे हो पूछ रहे हो, इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते, मगर आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमको 2 महीने का और समय दिया जाए। 6 महीना पहले ही बर्बाद किया। और मेरे केस का जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब झूठा दिया, हमने झूठा जवाब दिया, झूठा हलफनामा दाखिल किया। झूठा हलफनामा दाखिल करना क्रिमिनल ऑफेंस है, जो वकील है वो जानते हैं। हमने रिजॉइंडर देखकर कौन से पैरा में चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, हमारे पास सारे लिखित सबूत होने की वजह से हमने रिजॉइंडर लिखकर बताया ये चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। साथियों, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा तो 2 महीने का और समय मांगा, 6 महीने लगाकर जवाब नहीं दे पाया। 2 महीने के बाद 4 मार्च आ गया, फिर भी जवाब दाखिल नहीं किया। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और कहने लगी कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर घोटाला ईवीएम में किया है, बीजेपी को जितवाया है, इसलिए हमारा इस चुनाव में दोबारा चुनाव करवाने का मांग है। जब ऐसा मायावती ने कहा नेशनल न्यूज हो गई, चुनाव आयोग को मजबूर होकर जवाब देना पड़ा और चुनाव आयोग ने जवाब दिया मायावती के आरोप बेबुनियाद है। जब चुनाव आयोग ने कहा मायावती के आरोप बेबुनियाद है तो मैंने अपना सोशल मीडिया के जो लोग है, ये सोशल मीडिया के हमारे लोग, खड़े हो जाओ, ये हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इसको मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके बताया। मैंने अब बताया कि मैंने चुनाव आयोग के विरोध में, ईवीएम मशीन के विरोध में दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं,
हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मेरे आरोप दस्तावेजी सबूत के आधार पर है। मायावती के आरोप बेबुनियाद हो सकते हैं, मगर मेरे आरोप दस्तावेजी सबूतों के आधार पर है। मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दिया? 13 लाख लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मगर चुनाव आयोग ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब नहीं दिया तो फिर उन्होंने 10 अप्रैल का समय मांगा जवाब देने के लिए। 10 अप्रैल के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जयदी साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर केवल लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते हैं। पहली बार मेरे केस की वजह से जयदी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा, वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की है, अगले हियरिंग में 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल खरीदने के लिए अगर सरकार नहीं देती है तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। जयदी साहब ने प्रधानमंत्री को दायर एक चिट्ठी लिखी और लिखी चिट्ठी मिलते ही शाम को नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट में 3,567 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। सैंक्शन का लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना और कवरिंग लेटर हलफनामा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखा। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सितंबर 2018 तक सारे देश में पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए मशीनें चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी और फरवरी 2019 तक सारे देश के कलेक्टरों के पास पेपर ट्रेल मशीन पहुंच जाएगी। पेपर ट्रेल मशीन का मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन, पहुंच जाएगी। मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद मैंने दूसरा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर ट्रेल लगाया जाएगा, वामन मेश्राम चुनाव से संबंधित केस जीत गए। जीतने के बाद मैंने आंदोलन शुरू कर दिया, अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। लड़ाई लड़नी पड़ती है होशियारी से, तो मैंने आंदोलन शुरू कर दिया, अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, अब मुझे बैलेट पेपर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन का आदेश दिया हो और वामन मेश्राम के केस पर दिया हो और वामन मेश्राम ही इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर रहा हो, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि मेरे खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो सकता है। मगर मेरे पास ठोस सबूत है ऐसा फैसला करने का। ठोस सबूत नंबर एक, सबूत नंबर एक, अमरावती में प्रोफेसर रविंद्र राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो जिस बूथ पर वोट डालने के लिए गए अपने मिसेज को लेकर गए, जब काउंटिंग हुआ उस बूथ पर रविंद्र राणे के बूथ पर जहां वोट दिया 0 वोट निकला। पेपर ट्रेल मशीन लगाई हुई थी, 0 वोट निकला। वहां उसकी मिसेज थी, दोनों ने बूथ पर वोट डाला, हो सक वहां पर उसके दोस्त थे, उसके प्रचारक थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके चाहने वाले थे। मान लिया जाए किसी ने भी वोट नहीं दिया, उसके बीवी ने भी उसको वोट नहीं दिया। हो सकता है कि कभी कभार रविंद्र राणे ने अपने बीवी को झापड़ झूपड़ किया हो और उसके बीवी को यह सोचने का मौका मिला है कि रविंद्र राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, तो मैं उसको वोट नहीं डालती हूं। ऐसा भी हुआ, हो सकता है। मगर रविंद्र राणे का कहना है, मैं इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डालूं, कम से कम एक वोट तो निकाला होता। जब हमारी जानकारी आई, हमने चुनाव अधिकारियों को लिख कर दिया कि सारे बूथ का डाटा हमें दिया जाए और इसका जितना पैसा चाहिए लिया जाए।
चुनाव अधिकारियों ने सारा बूथ का डाटा हमें दे दिया, जिस बूथ में जीरो वोट निकला उसका भी दस्तावेजी एविडेंस हमें दे दिया। हमारे पास जीरो वोट का दस्तावेजी एविडेंस है। इसलिए तो मैं कहता हूं बदमाशों के साथ बहुत अक्लमंदी से लड़ना पड़ता है। बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, अनपढ़ गवार होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो किसी और के दिमाग से चलते हैं। मगर ईवीएम मशीन में इस तरह से घोटाला करना बहुत ऊंचे दर्जे की बुद्धि होने की जरूरत है। और जब घोटाला करने वाले के पास इतने ऊंचे दर्जे की बुद्धि है तो उसको पकड़ने वाले के पास उससे भी थोड़ी ज्यादा बुद्धि होनी जरूरी होती, सामान्य बात नहीं। दूसरी बात, चंद्रपुर में दूसरा हमारा कैंडिडेट था, हमारा मित्र कैंडिडेट था, उसको हमने एप्लीकेशन करवाया। क्या करवाया? हमको पहले से मालूम था जो नहीं हो सकता उसका एप्लीकेशन करवाओ। तो हमने एप्लीकेशन करवाया रिकाउंटिंग किया जाए। अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं होगा, अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं होगा। अरे किसको चाहिए भाई रिकाउंटिंग, हमें तो सबूत चाहिए। हो गया, सबूत आ गया हमारे पास। दूसरा एप्लीकेशन दिया क्यों नहीं हो सकता, तो उसने नियम लिख कर दिया फला नियम की वजह से नहीं हो सकता। आ गया सारा का सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास ठोस सबूत है। इसकी वजह से मैंने अब यह घोषित किया कि मैं अब पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, मुझे बैलेट पेपर चाहिए। इसलिए मैं अभी इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के लिए 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर इकट्ठा करना है, उसका पर्चा मैं लिख रहा हूं। उसका पर्चे का टाइटल है वामन मेश्राम की चुनाव आयोग को चुनौती। चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती दी, आओ और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ, 4 घंटे का समय देते हैं। मैं लिख रहा हूं चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। मैंने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे आपने जवाब नहीं दिए, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दो और मैं आपको 4 महीने का समय देता हूं। आपने 4 घंटे का समय दिया, मैं आपको 4 महीने का समय देता हूं। क्यों? मेरे सवालों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है ही नहीं, होता तो सुप्रीम कोर्ट में देते। ये पर्चा अब मैं लिख करके आउट कर रहा हूं। साथियों, मैंने जब ये योजना बनाई तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 5 करोड़ वोटर्स लोगों के सिग्नेचर अगर आप दे देते हो तो देने के बाद अगर आपकी बात चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति ने नहीं मानी तो क्या करोगे। मैंने कहा उसको धन्यवाद का लेटर लिखूंगा चुनाव आयोग को कि अच्छा है तुम अड़ रहे हो, अगर तुम अड़ रहे हो तो 5 करोड़ लोग भी अड़ जाएंगे और अपना वोटर कार्ड आपको लौटा देंगे कि ये वोटर कार्ड तुमको तमाशा ही करना है, तुमको नौटंकी ही करना है, तुमको ईमानदारी से चुनाव करना नहीं है, तो ये वोटर कार्ड ले लो, इसकी पुंगली करो और जहां डालना है डालो। साथियों, जब मैंने बात कही कि चुनाव आयोग को लेटर लिखूंगा धन्यवाद का अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो, एक तो ये बात करूंगा और आगे 5 करोड़ लोगों को साथ में लेकर 15 करोड़ इकट्ठा करने का योजना बनाएंगे, और जब 15 करोड़ लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो फिर चुनाव आयोग को हम मांगेंगे नहीं, चुनाव आयोग को ही बदल देंगे। अगर 15 करोड़ लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो फिर चुनाव आयोग को मांगने की क्या जरूरत है, चुनाव आयोग को ही बदल देंगे। ये लोकतंत्र में पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो बता रहा हूं। इसलिए मैं इस मुस्लिम सम्मेलन में आप लोगों को भी अपील करना चाहता हूं, जैसा नोमानी साहब ने आपको किया, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाओ, सिंपल सिग्नेचर। आपको कोई पुलिस चौकी पर जाके मोर्चा करने के लिए नहीं बोल रहे, केवल अपने घर में सिग्नेचर करना है। आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी ताकत उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। 5 करोड़ लोगों की बातों को इनकार करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए साथियों,
हमने ये योजना बनाई है, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।